पर भगवान भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में तीसरे दिन बाद जाते हैं। पहला दिन होता है और दूसरा दिन होता है। तीसरे दिन जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो कुरुक्षेत्र में जाने पर महाराज नंद जी नंद बाबा अपने मूछों को ताव देते हैं और मूछों को ताव देने पर कहते हैं चोरे चोरे मधुमंगल जा और जाके कहे जा और जाके वह कनुआ ते कहे और कनुआ ते जब जाकर कहे कि तेरे बाबा आए हैं बाबा कनुआ दौड़ते हुए गया। जब कनुआ दौड़ते हुए गया दौड़ते हुए जाने पर महाराज मधुमंगल जा रहा है पैरों में जो जूते पहन रखे वो भी उसने खोल दिए। खोलने पर फिर भी जाए जा रहा है और पुकारते हुए जा रहा है कनुआ कनुआ कनुआ। मैं भारत जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पे आने की कृपा करें। इधर जब महाराज गए जैसे ही वह गए मधुमंगल गया द्वारपाल ने कड़कते हुए कही हे कहाँ जाते हो। द्वारपाल जब जाने लगा महाराज द्वारपाल ने कही हे कहाँ जाते हो तो वो मधुमंगल ने कही हे तू दीखना रो भीतर जा रहे और कहाँ जा रहे भीतर कौन है भीतर महाराज वो कनुआ हमारा यहाँ पे कोई कनुआ बनवा नहीं है नौकरी पे। अबे का नौकरी पे नहीं मधुमंगल ने कही अबे नौकरी वोकरी पे नहीं तो कनुआ तो यहाँ को राजा है राजा मिल भी दे बनो तू जाने जा रहे कुटुम्बस कर देंगे नौकरी ते निकलवा दूंगा कनुआ ते कह के तेरी नौकरी ते निकलवा दूंगा तेरी। तो ये कहने पर वहाँ ने कुछ समझ में नहीं आ रही देखो ब्रज भाषा अलग है ब्रजवासी अलग है ये तो दुनिया ते निराले हैं ठाकुर के भी बाप है महाराज। महाराज मन करे ब्रजवासी सारे ठाकुर जाके गाली दे दे हैं तू ऐसा ना करे ठाकुर से बोले तू हलवा महाराज भगवान ने लड्डू के भोग लगे तो लड्डू भगवान कहे ना है मैं तो लड्डू ना खाऊंगा बाकी बिहारी के गोसाई जब भोग लगाए ले तू लड्डू खा ले। तो ठाकुर बोले जब बताऊँ ये पर्दा क्यों खींचते हैं वरना ठाकुर जी क्या है ना गोसाई लोगों से कहते हैं बताते हैं उन्हें कि मैं ये ना खाऊंगा ये खाऊंगा तो गोसाई से कहते हैं अरे भैया हमें मैं तो लड्डू ना खाऊंगा मैं तो हलवा खाऊंगा। तो गोसाई डांट देते सारे खा ले खावे को मिल रो वही ठीक है अरे अपनो अपनो भाव है। तो इसलिए ब्रजभाषा अलग है ब्रजवासी अलग है ये तो दुनिया ते निराले हैं ठाकुर के भी पाप हैं। तो वाने सोची द्वारपाल ने सोची चलो लग तो है ये थोड़ो अरच कर भी आयो। तो वाने कही द्वारपाल ने कही अच्छा लगता है परच कर भी आयो कछु तो आप शाम को आना। तो मधुमंगल ने कहा भाई सारे अरज करे तू और तेरो बाप मैं तो जहाँ पे वा कनुआते मिल भी आऊँ दारी के मिल ले दे बनो जाने ना भगवान ने बहुत दिन बाद आज ब्रजभाषा सुनी। अब जब ब्रजभाषा सुनी तो भैया अब तो सुनते रह गए भगवान ने मंत्री से कहा मंत्री ना आगे जाओ किस भगवान के पास खबर पहुंची महाराज कोई एक आया है व्यक्ति बड़ा बकबक कर रहा है और कनुआ के बारे में पूछ रहा है आप कहें तो आपको पकड़ के नहीं है बहुत बकबक कर रहा नहीं 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 भगवान खड़े हो गए आप कहें तो यहाँ पे लिया नहीं मैं खुद जाऊंगा
भगवान गए। भगवान के जाने पर जब देखी, पहचान नहीं पाए भगवान, क्योंकि बड़े हो गए, कौन है? कह रो अबे सारे जावे दे दारी के, ना जाने दो तेरी कुटुंबस कर देंगे, तू जाने ना है तेरे को नौकरी से निकलवा देंगे, सारे तेरी ऐसी बुरी दशा कर देंगे, और तो महाराज कनुआ में मिलके ऐसे मारेंगे। अपने अपने भगवान सामने आकर जैसे खड़े हो गए, मधुमंगल चुप हो गया। भगवान ने पूछी, क्यों भैया, क्या बात है, तू कौन है, आप कौन हो? पहले प्रेम से पूछे। फिर मधुमंगल ने सोचा और कहा, आप कौन है? फिर कहा भगवान ने, अरे भैया आप कौन है ये तो बताओ, लोगों को, द्वारपालों को गुस्सा आ रहा, देखो हमारे महाराज से ऐसे बोल रहा है। इधर भगवान श्री कृष्ण कि वो गुंगराली अलके, यहाँ पे जो बालक बोल रहे हैं उन्हें कृपया शांत बनाए रखें, उनकी माताएं कहे। और इधर भगवान जो थे उनकी गुंगराली अलके देखी, अरे ये घुंघराले घुंघराले बाल, ये बोलने की उसकी शैली, ये खड़े होने का ढंग, ये कपड़े पहनने की उसकी ढंग, और ये उसके कपोल, ये उसके होठ, और ये मोटी मोटी उसकी नाव जैसी आँखें, लगतो है जे तो हमारो कनुआ आके खड़ो हो गयो और सिर पे मोर मुकुट धारण करे हुए है, तो वो फिर तो अपनी पे आ गया। और अपनी पे आने पर वा ने पूछी, अब पूछने पर बातें कही, अबे तू कौन है तू बता, मधुमंगल ने पूछी, अबे तू कौन है तू बता पहले, है मोते पूछे है तू? अब तो भगवान खिल गए। भगवान ने पूछी, अब पूछी तेने सही, अरे तू बता पहले तू कौन है, फिर मैं बताऊंगो। तो मधुमंगल ने कहा, अच्छो मोते पूछे तू मैं कौन हूँ? सारे जब गोपी के यहाँ जातो हैं, मोए घोड़ो बनातो, सबसे पहले मो पे चढ़तो और मोते पूछ रहे मैं कौन हूँ, है तो मैं याद दिलाऊं? तो भगवान ने याद आ गया, अरे तू मधुमंगल है, मधुमंगल। अरे मधुमंगल खिल गया, मधुमंगल ने दोनों हाथ फिरा दिए, भगवान तुरंत हृदय से आ लग गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण। अरे फिर भगवान पूछते हैं, क्यों चोरे मधुमंगल बता, बाबा कैसे, बाबा कैसे, मैया कैसी है, बता बोल। अरे पूछे बाबा कैसे मैया कैसी है, अरे बाबा आए हैं यहाँ और मैया हुआ आई है, बाबा आए मैया हुआ, सारे अब बता रहो, पहले ना बता सके, इतनों देर लगा दी। भगवान के पैरों में से पादुका खुल गई, भगवान दौड़े, मैया 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 ये पुकारते हुए जा रहे हैं, बाबा बाबा पुकारते हुए जा रहे हैं। और जब ये पुकारते हुए जा रहे हैं तो द्वारपाल कह रहे हैं, अरे अरे भैया, अरे महाराज के लिए रथ लेकर आओ, अरे महाराज के लिए पालकी लेकर आओ, अरे महाराज के लिए छत्र लेकर आओ, अरे कुछ तो करो महाराज के लिए, अरे पादुका लेकर आओ ठाकुर जी की, अरे क्या करें, अरे छत्र लेकर आओ, दंड लेकर आओ। इतने में भगवान तो जा रहे हैं, इधर जैसे ही पहुंचे महाराज रथ के पास, ठाकुर जी ने आवाज जैसे ही लगाई, आवाज लगाने पर कहा भगवान ने, मैया मैया। भगवान के, यशोदा मैया के कानों में आवाज गूंज गई, अरे तो मेरे कनुआ की आवाज है। अंदर आए सारे मधुमंगल ने एक मारी खींच के, है अब बता। भगवान ने पूछे, भैया तू कौन है, तूने क्यों मारी हमारे,
अच्छा मुझे पूछे, जब मेरी गेंद जमुनाई में फेंक दी और काली नाग को उद्धार करो और मुझसे पूछे मेरी गेंद से खेले हैं। अरे श्री रामा तू, और भगवान गले से लग गए और यशोदा मैया ने कहा अरे कनुआ आ मेरे पास आ जा, देख मैं तेरे लिए माखन लाई हूँ। मैंने सोची तेरे को सब कछु मिलते होगो लेकिन मेरे हाथ को माखन काते मिलोगो। तो ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाए लगे। मधुमंगल ने कहे सारे अकेले अकेले खावेगो, वो हमें ना खिलाएगो। तो भगवान ने कही लो तुम भी ले लो। फिर थोड़ी थोड़ी दे दी सबको। फिर भगवान ने कही अब मैं ना दूंगो, अब इसलिए क्योंकि मैया ने मेरे लिए प्रेम से बनाए हो, मैं तो यह एक पूरो खा जाऊंगो। मैया ने कही हाँ पूरो खा जा। भगवान खा गए, नंद बाबा से मिले, यशोदा जी ने कहा आ जा मेरी गोद में बैठ जा। भगवान से कही, भगवान ने कहा मैया अब मैं गोद में ना बैठ सकूँ, मैं बड़ो है गयो ना। हाँ यशोदा ने कही अच्छो तू तो ज़्यादा बड़ो है गयो है, राजा है गयो, अब तू हमारी ग्वाल वालन की गोदन में क्यों बैठेगो। तो ये बात कहने पर यशोदा जी से कृष्ण ने कहा अरे ना मैया ऐसी बात ना है, कहा है ना मैं तो जवान छोकरो, तू थोड़ी बूढ़ी है गई, अब मैं तेरे गोद में बैठूंगी तो तेरे कछु दिक्कत है जाएगी, जांगे मांगे कुछ दिक्कत है जाएगी। इसलिए ये कहने पर भगवान ने आज प्रेम ते विदा करो नंद बाबा है यशोदा है ग्वाल बालन ने। इधर देखो जिसके घर में वसुदेव महाराज, जिसके घर में साक्षात ठाकुर विराजमान हो लेकिन उसे भी संत की तो जरूरत पड़ती ही है। वसुदेव जी को भी पड़ी नारद जी की जरूरत। नारद जी को वसुदेव जी ने, वसुदेव जी को महाराज ज्ञान दिया नारद जी ने। इधर महाराज अर्जुन जी जो हैं वो थोड़े गए थे वन प्रस्थान करा था वन गमन के, जब वन जंगल से वापस लौटे बहुत दिना है गए थे, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बाकी बढ़ गई थी बाबा जी से लग रो। तो भगवान ते अर्जुन ने कही अरे ठाकुर मेरो आपको रिलेशन बड़ो लॉन्ग रिलेशन, भूआ का लड़का तो थोड़ा करीब को रिश्तों बनाना चाहूँ। भगवान ने टेढ़ी नजर से देखे जो का बनाना चाहे तुम है? ठाकुर मैं तो ये अपना सालो बनाना चाहूँ। ठाकुर ने कही चुप रह जा भूल जा, सुभद्रा जी का विवाह तो बलराम जी ने दुर्योधन के साथ फिक्स करी है, भूल जा। अरे अरे मैं तुम्हारा सालो हूँ, अरे तुम हमारे साले होंगे लेकिन काम मैं तुम्हारे साले की तरह कर दूंगो, चिंता मत करो पांडव आ दूंगो। ये कहने लगे सुभद्रा महाराज, कहा ठाकुर से कही ठाकुर कुछ तो करो, देख अब तेरे मन में आई गई है तो करनो तो पड़ेगी। देख दाऊ भैया ऐसे तो मानेंगे ना है, कुछ नीति रीति अपनानी पड़ी। अरे ठाकुर तुम तो नीति के उद्गार हो, करो कुछ जुगाड़ बैठाओ। तो ठाकुर ने कही हाँ देख तेरी दाढ़ी वाड़ी भरी ही रही है, संतोषो लग रो है, ऐसो कर मैं तो थोड़ा तिलक विलक लगाए के बैठ जा और भस्म लगाए ले बैठ जा, चिमटा गाड़ के बैठ जा, मैं चिमटा दे देता हूँ तेरे को गाड़ के बैठ जा। धुनी रमाई के कह दिया महाराज, द्वारिकाओं के दरवाजों पर धुनी रमाई के बाबा जी बैठ गए। भगवान ने कहे द्वारिका वासी बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है,
कोई पूजा के लिए आएगा तो कोई लड्डू लेकर आएगा, कोई मेवा मिश्री, कोई माखन मिश्री, और कोई महाराज कोई हलवा लेकर आएगा, कोई जलेबी लेकर आएगा, सब कुछ लेकर आएंगे, लेकिन सुन ले खाना मत। तो अर्जुन ने कहा, भैया ब्याह करवा रहे हो, मरवाने की तैयारी कर रहे हो, ब्याह करवा रहे हो, मरवाने की तैयारी करो, क्या कर रहे हो? तो ठाकुर ने कही, देख बता रहा हूँ, ऐसा कर ले, तू तो वहां पे बैठी रही हो, कुछ मत खाइयो, कह देना हम कुछ नहीं खाते, हम वायु पी कर रहते, कह देना तू तो ये बात। तो अर्जुन ने कही, भैया पेट है तो भूख तो लगी, अबे चुप है जा, रात में आऊंगा छुपके से, टिफिन में पैक करके ले आऊंगा, चुप रही हूँ, बताइयो मत और चुपचाप से खा लेना। सबरे आंसर ऐसे हुए महाराज। तो और जो जो महाराज अर्जुन जी तो धुनी रमाए के और चिमटा गाड़ के बैठ गए और माला हाथ में ले लिया और महाराज अपने भजन के लग गए। अब भजन में तो लगे, अब क्या भाई लाइनें लगन लगी और सबरे द्वारिका वासी आने लगे, अरे संत महंत की जय हो, संत महंत की जय हो। अब महाराज दाऊ भैया भी बड़े भक्त, अब पतो चली तो आ गए वह भी, दाऊ भैया भी आ गए। अब दाऊ जी आए, बोलो संत महंत की जय हो, संत महंत की जय हो, जय हो, जय हो। दाऊ भैया ने आकर दंडवत प्रणाम करी और महाराज अर्जुन कांप रहा है, और अगर पतो चल गई तो हलमूसल से खोपड़ी टोट डालेंगे मेरी, का करूं भैया, अरे हाँ सुन सुन सुन। अरे महाराज दाऊ भैया ने कही, महाराज चलिए आप द्वारिका के महलों में चलिए, पवित्र कीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चलते किसी महलों में। और महाराज तो फिर आप कहाँ रहते हो? कहा हम जंगलों में रहते। अच्छा, लेकिन महाराज जंगलों को आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत तो गृहस्थियों को है कहीं। तो ये बात कहने पर भी अर्जुन ने कहा, नहीं हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। ठाकुर ने इशारे में कही, चुपचाप से चल ले, नाटक करो इतना चल ले। तो अब भगवान से जब ये बात कही तो चलो तुम, अर्जुन ने कहा चलो तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो मैं चलता हूँ। तो पालकी मंगवाई और एक तरफ से दाऊ जी ने उठा ली और कहा, ए कृष्ण इधर आओ, पालकी उठाओ। अरे भैया इतने इतने दाऊ भैया इतने जने हैं, को उठा ले, ए, सेवा की जाती है, सेवा दी जाती है, चलो चलो उठाओ। उठा लियो महाराज और अंदर अर्जुन ठाट वाट से बैठा। ठाकुर ने वहां को पैर को अंगूठो दबायो, है ब्याह तेरो है नो वालू, बूझा मुंह उठानो पड़ रो है। भगवान द्वारिका में लेकर गए। अब थोड़ो महाराज लेकर तो गए, थोड़ा सभा में से बलराम जी बैठे प्रणाम करके और आवाज लगाई, सुभद्रा सुभद्रा थोड़ो जल लेकर आओ, संत महात्मा आए हैं, महाराज गोरस पियेंगे? तो कहा नहीं नहीं हम जल पी लेंगे, थोड़ा जल ग्रहण कर लेंगे। कहा ठीक है जल लेकर आओ। जल आया तो इतने में निमंत्रण आ गया, किसी सभा में जाना था। तो बलराम जी ने कहा, महाराज मैं अभी आऊँ, अब आ रहा हूँ, थोड़ा क्या है ना राजकाज की थोड़ा बात है, तो थोड़ा सभाएँ देख के आऊँ, तो आप यहीं पे बैठे रहियो, मैं आ रहा हूँ। बस चले गए और इधर सुभद्रा जी जल का गिलास दे रही है, जल को गिलास तो पकड़ो ना है, तुम वहां को हाथी पकड़ लियो सुभद्रा जी को। सुभद्रा ने कही, हे कृष्ण देखो तुम्हारे संत ने हमारो हाथ पकड़ लियो। इतने में दूसरो हाथ दिखायो तो वह हाथ पे महाराज साइन बना था। अब तो क्योंकि महाराज धनुषधारी थे, कांडी प्रत्वंचा का महाराज रेखाएं बनी हुई थी उसमें, और तो अब ये सुनकर उसको उसने तो देखा, अरे ये तो मेरे प्रियतम पात्र हैं। बस हंस गई। ठाकुर ने कहे, देख अर्जुन सबरी बात बन गई, दाऊ भैया है ना,
देवी बहन हंस रही है और बस सबरी बात बन गई। देख चुपचाप से कोने में चल जा और सीधे भाग जा, रुके मत। और कह दी अर्जुन ते, ज्यादा नेता बन के खुद रथ व्रत चलाइयो, याते रथ चलवाइयो। सुभद्रा से जबकि बात कर अर्जुन ने रथ चलायो दौड़ते। जब महाराज रथ के पहियों से निकलती धूल भी बंद हो गई, धूल बंद हो गई, तब महाराज भगवान ने पुकार लगाई, अब तो चालू कर दी। दाऊ भैया, दाऊ भैया, अरे संत बहन लेके भाग्यो भाग्यो भाग्यो। और ये सुन के दाऊ भैया दौड़ के दौड़ते हुए आए, हल मूसल लेकर आए और महाराज द्वार पर खड़े हो गए। द्वार पर खड़े होने पर अब तो महाराज दाऊ भैया ने कहा, वास संत की खोपड़ी तोड़ डालूंगा मैं, कैसे लेकर भाग क्यों मेरी बहन है। भगवान द्वार पे आकर खड़े हो गए, अरे आप हमें जल्दी भावुक हो जाती हो, क्या जरूरत थी उन संत यहाँ लेकर आने की, अब बिना बात की खोपड़ी तोड़ भी जा रहे हो, बाकी क्या जरूरत थी लाने की। अरे अब तो ब्याह भी है गयो हो वो, आप बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हो, यू आर जस्ट इमोशनल पर्सन। और ये कह के महाराज भगवान ने कही, अरे दाऊ भैया अब तक तो ब्याह भी है गयो गो, मारोगे बहन विधवा है जाएगी, अच्छू ना रहेगो। चलो यही विधि का विधान है, जाने दो। दाऊ भैया ने टेढ़ी नजर से देखी, क्यों ये विधि को विधान है तुम्हारो विधान है, मैं भी देखूं। कनुआ के सामने को ले जावे बाकी बहन को हरण करके, देवलोक के काउप इंद्र की भी हिम्मत ना है। अब तुम्हारा कौन था बताओ, भगवान ने कहा अर्जुन था। तो लीला करने की, अरे क्या पूरी लीला थोड़ी ना करी, भगवान ने कही आपके सामने मैं थोड़ी भी लीला नहीं कर सकता है, आधी लीला करी आपने बीच में रुकवा दिया। अरे चलो बुलाओ बुलाओ, आशीर्वाद देंगे बहने, बुलायो महाराज। अर्जुन आयो, आशीर्वाद लियो, बहन से पूछा बता तेरे को क्या चाहिए। बहन ने कहा अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस हम तीनों बलराम भैया, कनुआ, कृष्ण भैया और मैं इस कलयुगवासी लोगों का कल्याण करे। वही महाराज जगन्नाथ के रूप में स्थापित हो गए, जगन्नाथ भगवान। बोलो जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ पूरी उड़ीसा में महाराज ठाकुर जी विराजमान हो गए। और आज हम सभी का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे इधर आगे चल के दशम स्कंद की कथा सुनाते हुए एकादश स्कंद में आते हैं। एकादश स्कंद में आने पर कहते हैं बड़ों की हंसी उड़ा दी। संत आए हुए थे, यदुवंशियों ने देखा हम भगवान के पुत्र पौत्र पड़पोत्र हैं, गए यादवों से अरे यदुवंशी जब गए तो कहा ऋषियों से, अरे महाराज जो एक को तो महाराज उसके गर्भ उसके पेट को कपड़ा उठाया और तकिया डाल दिया महाराज, और शाम के जब तकिया डाल दिया तो अब तो जब महाराज गए पूछा है, अरे इसके पेट के अंदर कन्या है लड़का होगा, लड़का है लड़की है बताइए, बोलिए बोलिए, सबसे पूछने लगे, अरे बता ही नहीं रहे, इतने अहंकार में हो रहे हो या बता नहीं सकते, आपके पास कोई भजन की शक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है। अब महाराज आगे चल के थोड़े दुर्वासा ऋषि आ गए, अब दुर्वासा ऋषि जब आ गए बातें पूछी, माने कह दी सुनो ना तो होगा
ना तो होगा लड़का ना तो होगी लड़की, इस गर्भ के अंदर इसके जो भी होगा पेट पे वो मूसल होगा, और वही मूसल यदुओं का नाश करेगा, यदुवंश का, यदुवंश को नष्ट कर देगा। वो हमारा दिखा तो तकिया दिखा नहीं, वो हल ने मारा दिखा, क्या करे। उग्रसेन जी से नाना जी से पूछा, वो कहा घिसते जाओ घिसते जाओ, घिसा समुद्र के पास में तो एलरक नामक एक घास बन गई उससे, वो घिसते छोटा सा टुकड़ा बचा फेंक दिया समुद्र में, वो एक मछली ने पकड़ लिया, देवयोग से एक मछुआरे ने वो मछली पकड़ ली, मछली चीर गई तो निकल गया। एक शिकार खेलने वाले की बाण पर वो लगा रहता है। आगे चल के ऐसे भगवान ने अपना शरीर त्यागने का बहाना बनाया। इधर नौ योगेश्वरों की कथा आती है, और नौ योगेश्वरों के बारे में बताते हैं कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन। कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन। महाराज ये नौ योगेश्वर बताते हैं, इनसे नौ प्रश्न पूछे निमी जी महाराज ने, और आगे चल के 24 गुरुओं की कथा आती है। 24 गुरुओं की जब कथा आती है तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निश्च चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर समुद्र अजगर पतंगा भ्रमर, महाराज भ्रमर को बनाया, हाथी और मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरुरोर्भक कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत मधुहर्ता हरिण मीन पिंगला वैश्या कुरुर बालक कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभि जिसे मकड़ी भी कहते हैं और भृंगी, ये 24 अवतारों की कथा सुनाई। महाराज कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भैया दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम तो 4-5 ही बना रहे। जैसे वृंदावन में कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं महाराज जो रामानंदी आश्रम में जाते हैं तो रामानंदी तिलक लगा लेते हैं, रामानुज में जाते हैं रामानुज लगा लेते हैं। तो मैंने उनसे किसी से पूछी भैया ऐसा तुम क्यों करते हो, तो उन्होंने क्या कही, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि देखो जब दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो मैंने बात उनसे कही देखो 24 गुरु अगर तुम भागवत में पढ़ोगे तो 24 गुरु शिक्षक गुरु थे, दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, ये बता दिया। ये बताने पर इधर 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। वर्णन करने पर सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम मरोगे, ये तो पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं, पशु बुद्धि में मान जे तुम नहीं मरोगे, ये मनुष्य बुद्धि। ये कहने पर सुखदेव जी का पूजन करते हैं, हमारे मुख्य यजमान परीक्षित जो बने हैं वो मंच पे आ जाएं, और मंच पे आकर हमारे श्री सुखदेव जी का पूजन करिए। सुखदेव जी मफे तकत्यम यम परव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्यम वैपायनो विरह का तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया
तरबो बिने दूस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोलिए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। इधर सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हम सभी लोग अपने हृदय से सुखदेव जी महाराज का सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। इधर महाराज सुखदेव महाराज सूत जी कहते हैं, सूत जी के पुत्र या सुखदेव जी चिट्ठा सुनाते हैं, क्योंकि जो पहले दिन ना हो दूसरे दिन ना हो, जो अगर लास्ट दिन भी आ जाए वो, तो सारी भागवत का फल मिलता है। तो सुनाते हैं, प्रथम स्कंद के बारे में सुनाते हैं। सुनाते हैं प्रथम स्कंद में प्रथम तीन श्लोकों की व्याख्या, छह प्रश्न और महाराज भगवान परमहंस सुखदेव जी का जन्म, नारद व्यास जी का संवाद और भागवत जी का निर्माण, भागवत जी और वही में हमारे परीक्षित जी का भी जन्म, परीक्षित जी को शाप और महाराज हमारे श्री सुखदेव जी के पास गए और शरण में आए, वह प्रथम स्कंद में ये कथाएं हैं। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने कथा सुनने की विधि बताई है और विधि बताई है, वह विधि बताने पर भगवान का विराट रूप का वर्णन करा है। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आया है। तृतीय स्कंद में विदुर चरित्र आया है और विदुर उद्धव संवाद आया है। इधर विदुर मैत्रेय संवाद भी आया है। वरा भगवान की कथा सृष्टि के बारे में बताया, उसके बाद वरा भगवान की कथा सुनाई। वरा भगवान के बाद मनु कर्दम संवाद आया। मनु कर्दम के बाद कपिल देवहूति संवाद आया। इधर तृतीय स्कंद को विश्राम करके चतुर्थ स्कंद में महाराज इधर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ वो ये कथा आती है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। शिव सती दक्ष चरित्र आता है। फिर आगे ध्रुव चरित्र आता है। ध्रुव के वेन हुए, वेन के महाराज पृथु हुए, पृथु के विजिताश हुए, विजिताश के प्राचीन बरही हुए, बरही के पुरंजनोपाख्यान सुना है, शॉर्ट में सुना रहे हैं महाराज। फिर इधर पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी की कथा आती है। प्रियव्रत जी की कथा आने के बाद प्रियव्रत के आग्नेय आग्नेय के नाभि नाभि के ऋषभदेव ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत भरत व जड़ भरत हुए। उन्होंने रघुगण को उपदेश दिया। उपदेश देने पर भूगोल खगोल की कथा, 28 नरकों की कथा, छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, दक्ष की सृष्टि का वर्णन और वित्तासुर विश्वरूप का वध इंद्र द्वारा और चित्रकेतु की कथा। सप्तम स्कंद में पूरा प्रह्लाद चरित्र है, बस थोड़ा ग्रस्त की चर्चा की गई है। और अष्टम स्कंद में गजग्रह की कथा है और समुद्र मंथन की कथा है, वामन भगवान की अवतार की कथा है, मत्स्य अवतार की कथा है। नवम स्कंद में हमारे श्री सत्यव्रत वैवस्वत मनु की कथा है और महाराज शर्याती की कथा है, सुकन्या की कथा है, नाभागो नभगापत्यम अम्बरीश जी महाराज नभक के नाभाग नाभाग के अम्बरीश अम्बरीश जी की कथा है। और अम्बरीश जी की कथा के बाद हमारे श्री
गंगा जी को लाने वाले भगीरथ जी की थोड़ी कथा है, फिर उसके बाद हमारे श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मोत्सव की कथा है, फिर उसके बाद सूर्यवंश का थोड़ा वर्णन करके चंद्रवंश का वर्णन करते हैं, पुरुरवा उपाख्यान सुनाते हैं, फिर उसके बाद में आगे चल के महाराज ठाकुर का जन्म होता है और विवाह होता है वसुदेव देवकी का। आगे चल के ठाकुर की गोकुल वृंदावन नंदगांव मथुरा द्वारिका आदि की लीलाएं वर्णन करवाते हैं, बाल लीलाएं पौगंड्यावस्था की लीला सारी लीला वर्णन करवा कर और भगवान का विवाह होते हैं। सारी आज हमने कथा सुनाई, वो एकादश स्कंद में हमने आपको बताया हंसी उड़ाने पर यादवों का, वही भगवान का, सब यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान चाहते भी थे, वरना ये कहते रहते हम उसके कुल के हैं, हम भगवान के कुल के हैं। तो भगवान महाराज नौ योगेश्वरों की कथा है, 24 गुरुओं की कथा है, द्वादश स्कंद में सुखदेव जी की विदाई है और सुखदेव जी के बारे में बताया मुक्ति की कथा है और कल की भगवान के बारे में है और भगवान का जाना हुआ, बीच में कृष्ण उद्धव संवाद भी होता है। भगवान को वही जो था वो श्राप दिया था ना दुर्वासा ऋषि ने, उसी श्राप से मारा भगवान के नाखून पे लग गया वह बाण उसने भगवान का, क्योंकि नाखून चमक रहा था पैर का और चमकने पर महाराज उसने देखा कोई हिरण होगा, वार करा, भगवान ने वही देखकर भगवान की स्तुति करी उस जिसने भगवान पे भगवान के ऊपर बाण चलाया। बलराम जी पहले ही पहुंच गए थे क्योंकि बलराम जी भगवान के शेष ना गए, व्यवस्था देखनी पड़ती है, इधर भगवान भी गए, ठाकुर जी भी अपने धाम में जाने पर गए, तो फिर भगवान भी भागवते स्थित, भगवान भागवत में स्थित हो गए। धर्माकम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया था, धर्म भी धर्मो भागवते स्थित, धर्म भी भागवत में स्थित हो गया। अब भागवत का सुखदेव जी अंतिम श्लोक कर विदाई होती है। नाम संकीर्तनम यस्य, हम और आप सभी लोग मेरे साथ ये श्लोक बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। मैं भागवत समिति को हमारे आदरणीय के मंसल साहब जी को, डॉक्टर अंकल, उनको भी मैं भागवत व्यासपीठ से उन्हें बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय वकील अंकल मुकेश शर्मा जी को भी मैं पाणिकीर सूचना हमारे